ब्रह्मज्योत सत्ती अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा JKUT के निर्देश पर भाजपा ओबीसी मोर्चा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रहा है। आज सज्जाद हुसैन कुम्हार ने जिला अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा अनंतनाग और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर के हिमपात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरे में वे उन इलाकों में गए जो हाल ही में हुई बर्फबारी से बुरी तरह प्रभावित है और अस्पतालों में गए। उन्होंने आम जनता और मरीजों के परिचारकों के साथ बातचीत की और समस्याओं को सुना। पूरे परिदृश्य जायजा करने के बाद सज्जाद हुसैन ने संबंधित अधिकारियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत के माध्यम से बात की और उनसे इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा और उन्होंने सकारात्मक समर्थन के लिए संबंधित अधिकारियों को भी सराहना दी। इस दौरे से लोग बहुत खुश हुए और कहा कि केवल भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और हमारे पास पहुंचे और हमारी समस्याएं सुने। इस अवसर पर बोलते हुए ब्रह्मज्योत ने प्रशंसनीय कार्यों को अंजाम देने के लिए सज्जाद हुसैन कुम्हार और भाजपा ओबीसी मोर्चा की संपूर्ण अनंत गान इकाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि ओबीसी मोर्चा राज्य के हर जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़ा है और जनता की भलाई के लिए समर्पण और उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता से हाथों को ठीक से साफ करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की और कहा कि उचित सावधानियों के साथ हमने पहली और दूसरी कोविड लहर को हरा दिया है और बहुत जल्द तीसरी लहर पर काबू पा लिया जाएगा। ये थी हमारे संवाददाता विनीत कड़ीहुल्लो की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से।